नमस्कार, मैं हूं शेफ सुनील सिंह। आज मैं आपके साथ इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रहा हूं, टमाटर सूप। ये बहुत ही फेमस है और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस तरह से रफली कट कर लेंगे टमाटर, उसके साथ साथ में कट कर लेंगे बेल पेपर, कैरेट, साथ ही साथ इसमें अनियन, जिंजर, गार्लिक, ये सब जाएगा गाइस। तो इस तरह से रफली कट कर लेंगे इनको, सारे वेजिटेबल्स को। सो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, ज़रूर खाना चाहिए गाइस। सो साथ ही साथ इस तरह से अनियन को भी रफली कट कर लेंगे, इन सब को ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। साथ ही साथ ये सैलरी, अगर आपके घर में सैलरी अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं गाइस, इसके साथ जगह आप धनिया भी, हरा धनिया के डंठले भी यूज कर सकते। तो इस तरह से जिंजर गार्लिक को थेंच ले मोटा मोटा, रफली क्रश कर ले और उनको भी रख दें एक बाउल में। सो गाइस, दूसरी तरफ हंडी गरम कर लेते हैं, उसमें डाल देंगे बटर। ये रखी हमने हंडी, उसमें ऐड किया बटर। सो उसमें बटर ऐड करने वाले उसमें डालेंगे थोड़ा होल स्पाइस, जैसे कि बेल लीफ एंड पेपरकॉर्न बोले तो काली मिर्च, अक्खा काली मिर्च, उसको हल्का सा सौते करेंगे और उसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक जो क्रश किया रखा हुआ था गाइस। तो इस तरह से उसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे 2 से 3 मिनट। अब उसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच ऑफ प्लेन फ्लोर बोलते मैदा। सो मैदा से क्या होगा, थोड़ा थिकनेस के लिए ऐड करते हैं गाइस। तो हल्का इसको भुने, जैसे नाइस अरोमा आ जाए उसके बाद ऐड कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स। सो मैंने यहाँ पे बेल पेपर ऑप्शनल है गाइस, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बेल पेपर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं जस्ट बिकॉज इसमें एक अच्छा सा स्वीटनेस रहता है। सो सूप में बहुत ही अच्छा फ्लेवर्स और स्वीटनेस देता है गाइस। तो इस तरह से हमने रफली कटे हुए टमाटर भी ऐड कर दिया और साथ ही साथ उसका सॉल्ट। सो गाइस, मैंने यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर भी डाला है, वीडियो में स्किप हो गया है तो उसको भी ज़रूर डालें। सो तब तक इसको 8 से 10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि ये गल ना जाए टमाटर एंड वेजिटेबल्स इस तरह से। सो गाइस, नाउ टाइम टू ऐड वाटर। सो पानी डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट को धीमी आंच पे सिमर करेंगे, 2 से 3 उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद गाइस हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप टेंगीनेस के लिए, आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। सो यू नो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है टमाटो सूप, सो यम्मी यम्मी फ्लेवर तो चाहिए ना। तो इस तरह से हम इसको ऑलमोस्ट हो गया है डन, इसमें डाल देते हैं फ्रेश कोरिएंडर के रूट्स। सो धनिया की जड़ें डालने से इसमें बहुत ही अच्छा नाइस फ्लेवर आ जाता है गाइस, एक अच्छा फ्रेशनेस सूप में आ जाता है। सो ऑलमोस्ट सूप हो गया है डन, इसको कर देते हैं साइड। सो गाइस, मैं डायरेक्ट इसको स्टेन कर दूंगा, एक छन्नी लूँगा उसमें इस तरह से स्टेन कर दूंगा। आप चाहिए तो इसको पहले ब्लेंड कर सकते हैं मिक्सर में, उसके बाद स्टेन कर सकते हैं। सो ये सारा जो इसके अंदर मसाला इंग्रेडिएंट्स वगैरह हमने डाले थे हो गए साइड। अब इसको सर्व करेंगे, एक सूप बाउल में सूप डालेंगे और साथ में डालेंगे ब्रेड क्रम्स। सो फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्राइड ढोकला, उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी होता है और ऊपर से गार्निश में आप क्रश ब्लैक पेपर एंड ऑफकोर्स क्रीम भी यूज़ कर सकते। सो गाइज, अगर आपको रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।